डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ फाइव किंगडम सिस्टम के बारे में, पंच जगत संकल्पना के बारे में। पीछे चैप्टर में जो था जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सोनॉमी, उसमें हम पढ़ चुके हैं कि अरस्तु को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जंतुओं को रक्त के रंग के आधार पर दो भागों में एनाइमा और एनाइमा में विभाजित किया था। कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं, उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था जिसमें कि जंतु का नामकरण करते समय वंश और जाति यानी जीनस और स्पेसीज को लिखा जाता है। कंसेप्ट ऑफ फाइव किंगडम सिस्टम आरएच व्हिटेकर के द्वारा दिया गया था 1969 में। इस वर्गीकरण का आधार पोषण का प्रकार, थेलस का संगठन, कोशिका की संरचना, उनका जातिवृत्तीय संबंध और प्रजनन था। इसके आधार पर पांच जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया बनाए गए थे। सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने डी जगत वर्गीकरण किया था, जिसमें कि उन्होंने दो जगत प्लांटी और एनिमेलिया बनाए थे, लेकिन वहाँ पर यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स का विभेदन नहीं किया गया था। इसी प्रकार से यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक का विभेदन नहीं किया गया था। तो इस प्रकार सारे जीवों को, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, वो उनका वर्गीकरण जो था वो अपर्याप्त था, जिसमें कि कई सारे जंतु ऐसे थे जिनको कि ना तो प्लांट्स में रखा जा सकता है ना एनिमल्स में रखा जा सकता है। तो कन्फ्यूजन की कंडीशन थी। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, इनका संगठन पादप और जंतु कोशिका से भिन्न होता है, तो इनको वनस्पति जगत के साथ में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से यूग्लिना जो है, जिसमें कि क्लोरोफिल पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है, तो इसके आधार पर इसको प्लांट्स में रखा जा सकता है, लेकिन इसमें जंतुओं के समान सेल वाल नहीं होती है, गतिशील होते हैं जंतुओं के समान, क्योंकि उनमें फ्लैजिला या कसाब उपस्थित होता है, और अगर उनको अंधेरे में रखें तो उनमें जंतुओं के समान पोषण जो है वो मर्तोपजीवी प्रकार का सेप्रोफाइटिक पोषण होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से उसको किस में रखा जाए यह स्थिति स्पष्ट नहीं थी। इसी प्रकार से कुछ जंतु भी ऐसे होते हैं जो कि स्थिर होते हैं, जैसे कि स्पंजेज है, कॉरल्स है, ट्यूनिकेट्स है, तो इनको क्योंकि यह पादपों के समान स्थिर होते हैं तो इनको किस जगत में रखा जाए यह भी स्पष्ट नहीं था। फंजाई, इसको डी जगत में इसकी स्थिति भी स्पष्ट नहीं थी, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, तो यह इस कारण से इसको प्लांट या प्लांटी के अंतर्गत रखना संभव नहीं था। यह स्थानबद्ध होने के कारण इसको जंतुओं के साथ में रखना संभव नहीं था। इस कारण से डी जगत परिकल्पना अपर्याप्त थी और आर एच व्हिटेकर के द्वारा उसके स्थान पर पंच जगत परिकल्पना दी गई थी। पंच जगत परिकल्पना में मुख्य पांच जगत किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया को सम्मिलित किया गया है, और उनका वर्गीकरण कोशिका की संरचना, जिसमें कोशिका यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट है, कोशिका की संख्या, कोशिका यूनिसेलुलर है यानी कि एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, और टाइप ऑफ न्यूट्रिशन यानी पोषण का प्रकार स्वपोषी है या विषमपोषी है, इस आधार पर वर्गीकरण किया गया था। फर्स्ट किंगडम है मोनेरा, ये सभी जगह पर पाए जाते हैं और सूक्ष्मदर्शी जंतु इनमें शामिल किया गया है। इनमें प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है, यानी कि आदिम प्रकार की कोशिकाओं वाले जंतु जिनमें कि केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, और ऐसे केंद्रक को न्यूक्लियोइड कहते हैं, क्योंकि इनका गुणसूत्रीय पदार्थ सीधा कोशिका द्रव्य के संपर्क में होता है, और
इनमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, इनमें गुणसूत्रों से संबंधित हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है। गुणसूत्र भी रेखीय नहीं होकर के, लीनियर नहीं होकर के सर्कुलर फॉर्म में या वर्तुल रूप में उपस्थित होते हैं। तो ऐसे जंतुओं को इसमें शामिल किया गया है। इनकी कोशिका भित्ति जो है प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड्स या म्यूकोप्रोटीन कहें या ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है, लेकिन इनमें सेलुलोज अनुपस्थित होता है। ये हेटरोट्रॉफिक या ऑटोट्रॉफिक प्रकार के होते हैं। जब ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं तो इनमें पोषण परजीवी या मर्तोपजीवी प्रकार का होता है, और जब ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं यानी स्वपोषी होते हैं तो इनमें पोषण फोटो सिंथेसिस या कीमोसिंथेसिस के द्वारा होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषी प्रकार के होते हैं। इनमें केंद्रक झिल्ली, जैसा कि अभी मैंने बताया था, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, और झिल्लीबद्ध कोशिकांग जैसे कि हरित लवक, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःद्रवी जालिका अनुपस्थित होते हैं। उनमें प्रजनन अलैंगिक प्रजनन द्विखंडन के द्वारा होता है, और इसका उदाहरण है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया को उनके आकृति के आधार पर चार प्रकारों में बांटा जा सकता है, कोकस या कोकई, गोलाकार जीवाणु, बेसिलस दंडाकार जीवाणु, विब्रियम कॉमा शेप्ड या कॉमा के आकार के जीवाणु, और स्पाइरिलम जिसमें स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। मोनेरा को आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को शामिल किया गया है। यूकैरियोटिक यानी उनकी कोशिका जो है सुसंगठित प्रकार की होती है, उसमें मेम्ब्रेन युक्त ऑर्गेनेलिज उपस्थित होते हैं। उनमें से कुछ में सीलिया उपस्थित होता है और कुछ में फ्लैजिला उपस्थित होता है, यानी कि इनमें पक्ष्माभ या कसाब उपस्थित होते हैं जो कि उनमें गति के लिए आवश्यक है। उनमें प्रजनन अलैंगिक या लैंगिक प्रकार का होता है। लैंगिक प्रकार का प्रजनन जो है वो सेल फ्यूजन के द्वारा या जाइगोट फॉर्मेशन के द्वारा होता है, तो कोशिका के सलयन के द्वारा होता है या उनमें युग्मनज निर्माण के द्वारा होता है। ये यूनिसेलुलर या सिंपल मल्टीसेलुलर प्रकार के हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर एल्गी एंड प्रोटोजुआ। किंगडम प्रोटिस्टा को और ग्रुप्स में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि क्राइसोफाइट्स, इसमें गोल्डन एल्गी को रखा गया है और डायटम्स को रखा गया है। ये समुद्री जल में और स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये सामान्यतः प्रकाश संश्लेषी होते हैं और समुद्री जल में रहते हैं। यूग्लिनॉइड्स, ये फ्रेश वाटर में रहते हैं और स्थिर मोशनलेस वाटर या स्थिर जल में रहते हैं। इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है और इन कोशिका भित्ति के स्थान पर इसमें पेलिकल या तनुत्वक उपस्थित होती हैं। स्लाइम मोल्ड्स, ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, मर्तोपजीवी प्रकार के होते हैं। और प्रोटोजुआंस, ये विषमपोषी होते हैं और परजीवी या प्रीडेटर्स के रूप में उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट है किंगडम फंजाई। फंजाई में मोल्ड्स, मशरूम और यीस्ट को रखा गया है। ये यूकैरियोटिक होते हैं और मल्टीसेलुलर या यूनिसेलुलर होते हैं, और फंजाई जो है वो फिलामेंटस होती है यीस्ट को छोड़ते हुए। मशरूम और मोल्ड्स जो है मल्टीसेलुलर फंजाई के बहुकोशिकीय फंजाई का उदाहरण है, और यीस्ट जो है यह यूनिसेलुलर फंजाई का या एक कोशिकीय कवक का उदाहरण है। सारी कवकों में, सारी फंजाई में सेल वाल पाई जाती है जो कि पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। ये गतिहीन होते हैं और इनमें सिलेंडर शेप्ड थ्रेड लाइक
कंस्ट्रक्शंस पाए जाते हैं जिनको आईपी कहते हैं, और आईपी के नेटवर्क को माइसीलियम कहते हैं। फंजाई एट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन और नाइट्रोजन को कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। ज़्यादातर फंजाई जो है सेप्रोफाइटिक यानी मर्तोपजीवी प्रकार की और विषमपोषी प्रकार की होती हैं। कुछ फंजाई जो हैं वो सहजीवी के रूप में रहती हैं, जैसे एल्गी के साथ में सहजीवन में यह लाइकेन बनाती है, और इसी प्रकार से उच्चतर पौधों की जड़ों में यह माइकोराइजा के रूप में रहती हैं। ये अपघटकों के रूप में महत्वपूर्ण है और परजीवी के रूप में भी रहती हैं। ये कार्बन को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करती है। ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बीजाणु निर्माण के द्वारा होता है, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है। इनके घरेलू और व्यावसायिक उपयोग बहुत सारे होते हैं, और इसका उदाहरण है येस्ट, रस्ट एंड मशरूम। नेक्स्ट है किंगडम प्लांटी। इसमें सारे यूकैरियोटिक है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। इनकी सेल वाल सेलुलोज की बनी होती है। इनकी सेल जो है वो ट्रू प्लांट टिश्यूज़ का निर्माण करती है, वास्तविक पादप उत्कों का निर्माण करती है, और प्लांट्स में प्लास्टिड्स और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल उपस्थित होता है। ज़्यादातर स्वपोषी होते हैं, कुछ एट्रोट्रॉपिक होते हैं जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। वे भोजन को स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं, अगतिशील होते हैं। इनमें एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पाए जाते हैं। इनके जीवन काल में दो स्पष्ट फेजेज पाई जाती है, जिसमें से एक डिप्लॉइड होती है जिसको सेप्रोफाइटिक कहते हैं, और दूसरी गैमेटोफाइटिक होती है, और इनमें अल्टरनेशन होता है जिसको कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या फिर डी एकांतरण कहते हैं। उदाहरण है इसका मल्टी सेलुलर ग्रीन प्लांट्स। नेक्स्ट है किंगडम एनिमेलिया, ऑल मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, जिसमें कि सेल वाल एब्सेंट होती है और इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी एब्सेंट होता है। एट्रोट्रॉप्स होते हैं जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। एट्रोट्रॉपिक होते हैं, विषमपोषी होते हैं। इसका मतलब यह है कि वे अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। इनमें न्यूट्रिशन का प्रकार, पोषण का प्रकार जो है प्राणी संभोजी होता है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है, जिसमें कि भोजन को अंतर्ग्रहित किया जाता है और उसके डाइजेशन के लिए बॉडी में इंटरनल कैविटी उपस्थित होती है। ये मुख्य रूप से गतिशील होते हैं और इनमें लोकोमोशन पाया जाता है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पाए जाते हैं। ये कार्बन को ग्लाइकोजन और फैट के रूप में संग्रहित करते हैं, और इसके उदाहरण है पॉरीफेरा, जिसमें स्पंजेज को रखा गया है, निडेरिया, जिसमें जेलीफिशेज को रखा गया है, निमेटोडा, जिसमें कि थ्रेड लाइक वॉरम्स को रखा गया है, प्लेटीएलमेंथीज, जिसमें फ्लैट वॉरम्स को रखा गया है, एनेलिडा, जिसमें कि सेगमेंटेड वॉरम्स को रखा गया है, मोलस्का, जिसमें स्नेल्स और स्क्विड्स आते हैं, इकाइनोडर्मेटा, स्टार फिशेज आती हैं, आर्थ्रोपोडा, इंसेक्ट्स एंड क्रस्टेशियंस आते हैं, एंड कॉर्डेटा, जिसमें सारे वर्टिब्रेट्स, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स आते हैं। किंगडम एनिमेलिया को तीन सब किंगडम या उपजगतों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है सब किंगडम एग्नेटो जुआ, इसमें फाइलम मीसोजुआ को शामिल किया गया है। इसके सारे सदस्य अकशेरुकियों के उत्कों में और उनके शरीर ध्रुव में परजीवी के रूप में रहते हैं। सेकंड है सब किंगडम पैराजुआ, इसमें फाइलम पॉरीफेरा को सम्मिलित किया गया है। और थर्ड है सब किंगडम यूमेटाजुआ, इसमें कि फाइलम मीसोजुआ और पॉरीफेरा को छोड़ करके शेष समस्त को शामिल किया गया है। सब किंगडम यूमेटाजुआ को
सिमेट्री के आधार पर दो ब्रांचेज में बांटा गया है। रेडिएटर, इसमें उन जंतुओं को रखा जाता है जिनमें रेडियल सिमेट्री या अरीय सममिति पाई जाती है, और बाइलेटेरिया ब्रांच में उन जंतुओं को रखा जाता है जिनमें बाइलेटरल सिमेट्री या द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। नेक्स्ट, या टेबुलेटेड फॉर्म के रूप में पंच जगतों में पाई जाने वाली विशेषताएं जिनके आधार पर समस्त जीवित जीवों को पांच जगतों में बांटा गया है वो दर्शाई गई है। जैसे मोनेरा, इसमें सेल टाइप प्रोटो प्रोकैरियोटिक है, सेल ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर है, सेल वाल इसमें ज़्यादातर में उपस्थित होती है और ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। न्यूट्रिशनल क्लास फोटोट्रॉपिक, एट्रोट्रॉपिक या कीमोट्रॉपिक प्रकार के होते हैं, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है एब्जॉर्प्टिव टाइप का होता है, अवशोषी प्रकार का होता है। सेकंड है प्रोटिस्टा, यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, सेल वाल कुछ में उपस्थित होती हैं, कुछ में अनुपस्थित होती हैं, एट्रोट्रॉपिक या फोटोट्रॉपिक प्रकार के होते हैं, और इनमें पोषण जो है अवशोषण के द्वारा या अंतर्ग्रहण के द्वारा ग्रहण किया जाता है। फंजाई यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर होते हैं, सेल वाल प्रेजेंट होती है जो काइटिन की बनी होती है, और हेटरोट्रॉपिक होते हैं और पोषण को यह अवशोषण के द्वारा ग्रहण करते हैं। प्लांटी यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, सेल वाल प्रेजेंट होती है जो सेलुलोज की बनी होती है, फोटोट्रॉपिक होते हैं यानी स्वपोषी होते हैं, और इनमें पोषण जो है वो अवशोषण के द्वारा ग्रहण किया जाता है जिसमें कि जल और खनिज लवणों को अवशोषित किया जाता है। नेक्स्ट है एनिमेलिया, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, सेल वाल एब्सेंट होती हैं, एट्रोट्रॉपिक होते हैं और मोस्टली इंजेस्टिव यानी कि भोजन को अंतर्ग्रहित करते हैं। नेक्स्ट है इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं सभी के, जैसे किंगडम मोनेरा, इसको साइनोफाइटा और बैक्टीरिया दो को इसमें रखा गया है। साइनोफाइटा जिसमें नीली एरी सेवाल आती है, ब्लू ग्रीन एल्गी आती है, या साइनोबैक्टीरिया आते हैं, और सेकंड है इसमें बैक्टीरिया जिसको कि मिक्सोबैक्टीरिया में ग्लाइडिंग बैक्टीरिया आते हैं, एक्टिनोमाइकोटा में स्ट्रेप्टोमाइसीज आते हैं और स्पायरोकीटा में स्पायरल बैक्टीरिया आते हैं। सेकंड है प्रोटिस्टा, इसमें यूनिसेलुलर एल्गी और प्रोटोजोअंस आते हैं। यूनिसेलुलर एल्गी में यूग्लिनोफाइटा जिसमें यूग्लिनोइड सेवाल, क्राइसोफाइटा जिसमें डायटम्स को और पायरोफाइटा जिसमें डाइनोफ्लेजिलेट्स को शामिल किया गया है, और प्रोटोजोआ इसमें सार्कोडीना में अमीबा, जूमेस्टिगोफोरा में ट्रिपेनोसोमा और जियार्डिया, स्पायरोजोआ में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, सीलियोफोरा में पैरामीशियम को शामिल किया गया है। प्लांटी में मल्टीसेलुलर एल्गी जिसमें रोडोफाइटा, क्लोरोफाइटा एंड फियोफाइटा है, रोडोफाइटा जिसमें रेड एल्गी, क्लोरोफाइटा में ग्रीन एल्गी, फियोफाइटा में ब्राउन एल्गी को शामिल किया गया है। ब्रायोफाइटा जिसमें मॉस और लीवरवर्ट आते हैं, और ट्रैकियोफाइटा जिसमें कि टेरिडोफाइटा से लेकर के एंजियोस्पर्म तक सारे के सारे वैस्कुलर प्लांट्स को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है फंजाई, जिसमें जिम्नोमाइकोटा, इसमें एक्रेसियोमाइकोफाइटा जिसमें कोशिकीय अवपंख फफुंदी, मिक्सी माइकोफाइटा जिसमें प्लाज्मोडियम अवपंख फफुंदी, और लेबिरिंथ्यू लो माइकोटा जिसमें कि जालक अवपंख फफुंदी, और प्लाज्मोडियोफोरा माइसिटी जिसमें अंतः परजीवी फफुंदी को शामिल किया गया है। एनिमेलिया में सब किंगडम एग्नेटोजोआ जिसमें फाइलम मीसोजोआ को शामिल किया गया है, सब किंगडम पैराजोआ जिसमें स्पंजेज को शामिल किया गया है, और सब किंगडम यूमेटाजोआ जिसमें कि फाइलम मीसोजोआ और फाइलम पॉरीफेरा को छोड़ करके अन्य समस्त जंतुओं को शामिल किया गया है। थैंक यू।